हेलो नमस्ते दोस्तों, आज दिव्यांग किचन में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आपको बहुत ही सिंपल तरीके से हरे प्याज के पराठे कैसे बनाए जाते हैं उसकी विधि बताती हूँ। तो हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से हरे प्याज के पराठे बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और ये शरीर को के लिए भी बहुत प्रोटीन दायक होते हैं। तो आप एक बार, सर्दियों आ रही है तो आप एक बार जरूर इसको ट्राई कीजिए। तो हरे प्याज के पराठे बनाने के लिए ये मैंने आधा किलो प्याज लिए। सबसे पहले हम लोग प्याज को बीच से काटेंगे। ये मैंने इसका छिलका उतार लिया था पहले से ही, इसको हम लोगों को बीच से काटना है। तो मैंने दोनों साइड से काट लिया है। तो हम लोग इसको अब एक साथ करेंगे और इसको हम लोगों को बारीक काटना है। तो हमारा हरा प्याज अच्छे से बारीक कट चुका है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग अब आटा लगाएंगे। तो मैंने गेहूं का आटा लिया है, हम लोग इसमें जो हम लोगों ने बारीक प्याज चॉप किया था वो डालेंगे। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे हरे प्याज के पराठे। हम लोग आटे में मसाला ऐड करेंगे। तो मैंने आधी चम्मच नमक के लिए वो डालेंगे इसमें। आधी चम्मच मिर्ची डालेंगे, ये तीखी वाली मिर्च है। और आधी चम्मच से थोड़ा सा कम हम लोग इसमें गरम मसाला डालेंगे। आधी चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन से हमारे जो पराठे हैं उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। ये मैंने लहसुन अदरक और मिर्ची का पेस्ट बनाया था अपने हाथों से, ये पीसा था इसको, इसको डालेंगे हम लोग। इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हम लोगों को थोड़ा मिक्स करना है। तो हम लोगों को अच्छे से मिक्स हो चुका है, हम लोग इसमें थोड़ा सा ही पानी डालेंगे। अगर आप ज्यादा पानी डालेंगे तो हम लोगों का डो गीला हो सकता है। और इसको हम लोग मिक्स करेंगे पानी को। और इसी तरीके से आटा लगाएंगे हम लोग। ये आटा हमारा लग चुका है, तो हम लोग अब पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पराठा बनाने के लिए ये मैंने तवा लिया है, मैंने गैस पहले से ऑन कर दिया। तो सबसे पहले हम लोग तवे को गर्म करेंगे, और जब तक हमारा तवा गर्म होता है हम लोग पराठा बेल लेते हैं। तो पराठा बेलने के लिए ये मैंने लोई तोड़ लिया। सबसे पहले हम लोग इसको गोल करेंगे। तो लोई हमारी गोल हो चुकी है, हम लोग थोड़ा सा आटा नीचे लगाएंगे और लोई में भी थोड़ा सा आटा लगाएंगे हम लोग। और अब इसको हम लोग गोल बेलेंगे। इसमें थोड़ा गीला दिख रहा है, तो हम लोग इसमें थोड़ा सा और आटा लगाएंगे। अब इसको पलटेंगे और बेलना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों का पराठा तैयार हो गया है। हम लोग इसको पराठे को तवे में डालेंगे, क्योंकि तवा भी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम लोगों को इसको फर्स्ट साइड से सेकना है। तो जब तक हमारा ये पराठा सीख रहा है, हम लोग दूसरा पराठा भी तैयार कर लेते हैं बेलकर। तो ये हमारा पराठा सीख चुका है, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने पहले से ऑयल लगा लिया, आप घी का भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों का पराठा सीख चुका है दोनों साइड से, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा हमारा। हम लोग अब इसको निकालेंगे और दूसरा वाला डालेंगे पराठा। तो ये मैंने दूसरा वाला पराठा डाला, अब इसको भी हम लोग सेकेंगे। तो हम लोगों का दूसरा वाला पराठा भी अच्छे से सीख चुका है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है हमारा ये पराठा। तो हम लोग दूसरा वाला पराठा डालेंगे। और इसको भी हम लोग फर्स्ट साइड से सेकेंगे। तो हम लोगों का ये वाला पराठा भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, ये सीख चुका है अच्छे से। ये देख सकते हैं कितने अच्छे से सीखा है दोनों साइड से ही। तो हम लोग अब इसको निकालेंगे और दूसरे वाले को ऐसे ही डालेंगे पराठे को और सेकेंगे।
तो हम लोगों के प्याज के हरे प्याज के परांठे तैयार हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे परांठे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही हेल्दी रहते हैं। तो आप जरूर सर्दियों में एक बार इसको ट्राई कीजिए, इस रेसिपी को। तो हमारे सिंपल तरीके से हरे प्याज के परांठे बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और प्लीज़ दोस्तों, अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी हमारे वीडियोज़ होंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगी। तो हमारा पराठा बहुत ही टेस्टी बना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है हमारा पराठा। तो आप जरूर इसको एक बार ट्राई